गुजरात राज्य जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको जय गिरनारी। आज मैं आपको गिरनार की दंत कथाएं, लोक कथाएं की बात करने जा रहा हूं। गिरनार की अजीब गजब और रोचक और चमत्कारिक बातों जानना सबको अच्छा लगता है और सब लोग बड़े मजे से सुनते हैं और अपनी बुद्धि के मुताबिक उसमें कुछ न कुछ जोड़ते जाते हैं। उसको हम समझने की कोशिश करते तो कुछ सत्य छिपा हुआ जरूर दिखाएगा, लेकिन यह बातों और कथा में कुछ न कुछ सही या गलत बातें मिलती गई और कथा का मूल स्वरूप ही शायद बदल गया हो, यह हमें जरूर मानना पड़ेगा। यह सब कथा के पीछे लोगों का गिरनार प्रति का प्रेम लागनी छलकती दिखती है, वरना इतनी सारी बातें और कथाएं नहीं प्रचलित होती। अब मैं आपको गिरनार के बारे में रोचक कथाएं, मान्यताएं, दंत कथाएं सुनाने जा रहा हूं। आप भी सोचिए और आगे जानने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण गिरनार खोखला है, उसके आगे सब सिद्धयोगी सिद्धों आकर मंत्र उच्चारण करते ही उसका दरवाजा खुलता है। गिरनार में आज भी अश्वत्थामा बस रहे और अश्वत्थामा साधु के स्वरूप में अपने शीर का घाव में मक्खन भरने के लिए, मक्खन मांगने के लिए समाज में आते रहते हैं। गिरनार में जहां निकलते वहां उसके शीर का घाव से बू आने लगती है, ऐसा भक्त लोग महसूस करते हैं। गिरनार की असंख्य गुफा में अनेकानेक अज्ञातवासी सिद्धों, संतों, योगनिष्ठ महात्मा आज भी मौजूद है, लेकिन जो किसी को सरलता से मिल नहीं पाते या ऐसी जगह पर कोई आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता। यह बात गिरनार के पूज्य संत सेवादास जी कहते थे। कुछ यात्रालु लोग गिरनार में खो गए थे, उसको रास्ता नहीं मिलता था। तब उसको अचानक एक महात्मा मिला और गुफा दिखाई पड़ी। तब इन यात्रिकों को महात्मा ने आश्वासन दिया और कुछ वनस्पति के पत्ते खाने के लिए दिया, जिसका स्वाद पापड़ जैसा था। सबको भूख संतुष्ट हुई। उसके बाद महात्मा ने सब यात्रिकों को आंखें पट्टी बांधकर आगे ले जाकर सही रास्ता दिखाया। दूसरे दिन इन यात्रिकों को फिर वही गुफा और योगी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई नहीं मिल पाया। एक आदमी कुछ किस्म का रोग से इतना तंग आ चुका था, तब उसने गिरनार की टूंक से अपने प्राण को त्याग करने का निश्चय किया। वह आदमी ऊपर गया, वहां एक हरड़े का पेड़ था, वहां वो गिर गया और उसको अतिसार हो गया, साथ साथ उसका रोग मिट गया। यह बात आदमी ने तलहटी में आकर सबको बताया। तब नवाब को कुछ रोग हुआ था, यह हरड़े नवाब की दवा के लिए लाई गई और नवाब की सेहत अच्छी हो गई थी। परिक्रमा में किसी यात्री ने सुबह में किसी वनस्पति का दातून किया, तब उसके सब दांत गिर गए थे। मुस्लिम लोग मानते हैं कि गिरनार और दातार के आसपास दो किस्म के जिनात बस रहे, एक अच्छा कार्य करने वाला है और दूसरा बुरा करने वाला है। जैन लोग मानते हैं कि गिरनार में यक्षों का निवास है। गिरनार में बहुत ज्यादा सोना पड़ा है। कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि गिरनार हर दिन सवा मन सोना देता था और बाद में हर दिन सवा शेर सोना देता था। सन 1842 में सोनरख नदी की रेत में से
सोना बनाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन सोना से ज्यादा खर्चा उसमें होता था, इसलिए यह कार्य छोड़ दिया गया था। जूनागढ़ के कुछ बनिए लोग गधे सिंह के डूंगर में से रूपा के गधे या सिक्का बहुत सारे भर लेकर आए थे और बोर देवी आए वहां उसने साधु को हैरान परेशान करने से बनिए पागल हो गए और कुछ मौत को भेटे थे। गिरनार का कोई अघोरी एक ब्राह्मण के लड़के को उठाकर ले गए और उसको खा गए थे। तब ब्राह्मण लड़के को ढूंढने के लिए गिरनार पर गया। तब अघोरी तो चला गया था, लेकिन ब्राह्मण ने अपने देव की सहायता से लड़के को सजीवन किया और पिता के साथ लड़का वापस आया था। गिरनार की कुछ टुंक पर कुछ कुछ निश्चित दिनों में रात में आवाज आती है और पूरा गिरनार तब जागृत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। किसी साधु ने गिरनार में रस कूपी का ढूंढ निकाली और अपने पास तुमड़ी में भर ली और उसने एक सुनार के घर में ठहरना पसंद किया। तब तुमड़ी में से जिन जिन चीजों पर बूंद गिरी ये सब चीजें सोने की हो गई थी। एक लकड़हारा गिरनार पर गया था, तब उसको रतन बाग में बंदर को कुहाड़ी का एक घा किया। तब कुल्हाड़ी छूटकर कुंड में गिर गई और कुल्हाड़ी सोने की हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन लकड़हारा ने यह कुंड देखने को गया तो उसको कुंड मिला ही नहीं। वंशली के पास सैलरा नामक गांव है, वहां के एक अहीर का लड़का को अपने खेत से सिद्ध योगी आकाश मार्ग से पवन पावड़ी में बिठाकर गिरनार की गुफा में ले गए थे और दो चार दिन वहां रखा था, लेकिन अहीर पिता ने नवाब बहादुर खानजी को के पास फरियाद लिखाई तब लड़का वापस आ गया था, इसलिए बाद में ज्यादा छानबीन नहीं करवाई थी। जूनागढ़ के इतिहासकार और नवाबी काल के अधिकारी शंभु प्रसाद देसाई लिखते हैं कि मुझे एक महात्मा 1943 में गिरनार में मिले थे। उसने बहुत बड़ी पाषाण गुफा का द्वार खोलकर मुझे अंदर ले गए थे, लेकिन बाद में मैंने बहुत बार यह स्थान ढूंढा लेकिन यह गुफा या द्वार कुछ नहीं मिला। गिरनार के बारे में 11वीं सदी की यह रोचक कथा मिलती है कि सिद्धराज ने जूनागढ़ जीता और राखेंगार को मार दिया। अब राणक देवी को पकड़ लिया गया था, तब राणक देवी को बड़ा क्रोध आया और वो गिरनार के सामने बोली, अरे अभी तू खड़ा है। इतना बोलते ही गिरनार में खलबली मच गई और गिरनार में बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी। तब राणक देवी को लगा कि ये गिरनार तो गिर जाएगा, तब उसने कहा रुक जा। तब गिरनार की शिलाएं गिरने से रुक गई। आज भी सीढ़ी के पास लटकता बड़ा एक पत्थर दिखाया जाता है, वह पत्थर वहां अटक गया था। यह राणक देवी के मुख से गिरनार के बारे में यह दोहरे हमको मिलते हैं। मरता राखेंगार खरेड़ी खांगो नव थयो, गोजारा गिरनार वड़ामण वेरी ने कियो। मरता राखेंगार खरेड़ी खांगो नव थयो, मा पड़ मारा धार चौसला कोण चढ़ाव से, गया चढ़ावण हार जीवता जातर आवसे।